हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आरएस का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद कोडिंग में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि जैसे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि भैया जो भी आप मोबाइल से हम खरीदेंगे डोलाइट पोर्टल से, तो उसका जो पेमेंट है मुझे पहले करना पड़ेगा या बाद में करना पड़ेगा। अगर मोबाइल का कॉस्ट अगर सपोर्टेड 25,000 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे। या फिर बहुत लोगों को डाउट ये भी था कि अगर मैंने अगर मोबाइल से 25,000 से कम का खरीदा तो क्या जो बचा हुआ अमाउंट है हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इन सारे बातें पे मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और इससे पहले मैंने जो मैं रीइंबर्समेंट के अमाउंट से मैंने जो चीज़ सामान खरीदा है उसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया हूँ। और इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक MIVI का मैंने एक जो साउंड बॉक्स खरीदा था, पोर्टेबल साउंड बॉक्स खरीदा था। इसके अलावा यहाँ पे जो लैपटॉप स्टैंड है ये खरीदा था। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में इसको यूज कर रहा हूँ वीडियो बनाने के पर्पज से, बट इसको मैं पढ़ने के पर्पज भी लिया था। और ये जैसे होता है कि कभी लाइट मौसम खराब होता है तो लाइट चला जाता है, तो यहाँ पे मैं इसको लिया था टेबल लैंप पे। तो इसको मैं अभी अपना वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सही करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सेंसर इसमें दिया गया है। 1 देखिए कलर चेंज हो गया, 2 3 बंद हो गया। ठीक है, 1 2 3। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ। सो वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, पता नहीं कैसा आप दिखेगा। मैं थोड़ा सा मैं सेटअप थोड़ा चेंज हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम बातें करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया, इस पॉइंट पर बात करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो बेलबिंग सब्सिडी के प्लान से आप जो खरीद रहे हैं, या फिर हाइब्रिड प्लान हो गया, फिर वर्क फ्रॉम होम प्लान हो गया, या फिर मोबाइल रिमेशन प्लान हो गया, आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वहां पे आपको सबसे पहले अपना पॉकेट से पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि अपने पैसे से आपको वो चीज खरीदना होगा, इसके बाद में आपको क्लेम करना है रिइंबर्समेंट के लिए। ठीक है, सो मैंने जो डोलाइट का जो पर्क एंड बेनिफिट्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने जो भी प्रोडक्ट खरीदा था, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो सारे जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप उसे जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जैसा कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं सबसे पहले आपको अपना पैसा से खरीदना होगा और इसके बाद उसे आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक जो आपका डॉट है मोबाइल के लेकर, कि अगर आपका मोबाइल का कॉस्ट अगर 25,000 से ज़्यादा है, जैसे सपोज इट आपने आईफोन ले लिया, आईफोन 11 या आईफोन 12 ले लिया, या फिर सैमसंग का ही कोई प्रोडक्ट है आप उसको ले लिया, 25 जो कि जिसका अमाउंट 25,000 से ज़्यादा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आपको टोटल अमाउंट सबसे पहले आपको पे करना होगा। और जैसे ही आपको जो प्रोडक्ट, जैसे जो सैमसंग का प्रोडक्ट लिया, जैसे आईफोन लिया, तो जैसे उसका प्रोडक्ट आपको मिलता है तो वहाँ पे एक इनवॉइस कॉपी होता है, आप डाउनलोड करके आप उसे क्लेम कीजिए। अब देखिए, बात यह आता है कि अगर आपका अमाउंट 25,000 से ज़्यादा है तो आपको सिर्फ 25,000 रुपये ही मिलेगा, आप सिर्फ 25,000 ही क्लेम कर सकते हैं। और इन केस आपने कुछ सस्ता मोबाइल खरीदा जिसका जो कॉस्ट है 25,000 से कम है, तो उस केस में क्या हुआ कि आपका जितना भी जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है आपको वो इंटर करना है, ना कि 25,000 रुपये इंटर करना है। सपोज डेट आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट 24,000 रुपया है तो आप क्लेम 24,000 ही कर सकते हैं, 25,000 नहीं कर सकते हैं। सो आई होप ये आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उस पर मैं हर प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सलाह दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।